अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक डिश डाइन। आज की मेरी रेसिपी है वेजिटेबल बिरयानी की। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनी है ये, आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखें, मैं रेसिपी मैंने स्टार्ट कर दी है और थोड़ा सा प्रिपरेशन मैंने पहले से करके रख लिया था। वेजिटेबल्स को रात को ही कट करके फिर उसको क्लिंग रैप से मैंने रैप करके रेफ्रिजरेट कर दिया था। प्याज मैंने सुबह कट करी क्योंकि प्याज को हम कट करके नहीं रख सकते, और आलू भी मैंने अभी कट किए हैं। तो जल्दी से मैं सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेती हूँ, और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिलते रहें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, जल्दी से हम ये सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करते हैं, फिर अगला प्रोसेस बताती हूँ आपको। सारे वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम बिरयानी राइस का प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और साथ में इसमें हम खड़े मसाले कुछ ऐड कर देंगे। 2 सिनेमन स्टिक, 2 बे लीव्स और 4 इलायची और हाफ टी स्पून शाह जीरे के ऐड किए हैं, और 1 टीस्पून मैं यहाँ ऐड करूँगी ऑयल के, ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। तो अच्छे से बॉईल आने के बाद हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। उधर बन रहे हैं हमारे राइस, और इधर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ बिरयानी की ग्रेवी का, जो कि यखनी होती है। इसमें मैंने देखिए वहाँ यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून वही ऑयल ऐड किया है जिसमें मैंने अनियन को फ्राई किया था और सारे वेजिटेबल्स को भी फ्राई किया था। और फिर यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे इसकी रॉ स्मेल जाने तक। और फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी भी ऐड करूंगी। घी से ही बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड करें घी। साथ में खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे, सिनेमन स्टिक, इलायची, शाह जीरा और लवंग के 2-3 टुकड़े। जैसे ही ये अच्छे से सॉटे होता है हम इसमें टोमेटोस को ऐड कर देंगे। 6 टोमेटोस को अच्छे से थिन स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया था, बस वो ऐड कर देंगे इसमें। और तली हुई प्याज को भी हम ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी मैंने बचा कर रखी है, दम देते वक्त हम उसको यूज करेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे टोमेटोस को, और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। और कुछ ज़रूरी मसाले जो होते हैं बिरयानी में वो भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 4 टीस्पून मैंने सॉल्ट के लिए थे और 4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर के, हाँ 1/2 टीस्पून हल्दी के लिए थे, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था। अब इसको कवर करके अच्छे से, जैसे ही टमाटे गलते हैं हमारे गल जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, इसमें 1/2 केजी मैंने फेंटा हुआ दही, फ्रेश दही ऐड किया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे सारे जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देंगे। दही को पकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दम पर खुद ही से पक जाएगा। बस बिरयानी की यखनी हमारी अब रेडी है। चलिए अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। Thank you.
जैसे ही मैंने पानी ड्रेन किया था चावलों से, मैंने उसकी तय बिछा दी है चावलों की, फिर ऊपर से मैंने यखनी की लेयर, फिर चावलों की लेयर, और फिर से मैंने यखनी की लेयर जमा दी है। और फिर हम जो बची हुई प्याज थी वो भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पुदीना और कोथमीर भी मैंने चॉप करके इसमें ऐड किया था, उससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है बिरयानी में, ज़रूर ऐड करें। और बस अब हम इसको 25 मिनट तक दम देंगे, 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर दम दूंगी, फिर मैं 20 मिनट तक लो फ्लेम पर करूँगी। तो देखें यहाँ पर 20 मिनट बाद ये पककर एकदम से रेडी है, देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त सी बनी है। और बस इसको मैं अब सर्व करती हूँ, देखें यहाँ सर्व कर दिया है मैंने, बहुत ही डिलीशियस बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।